शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुमसे प्यार की भीख मांगनी पड़ रही है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है तुम्हारे सामने। तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह ढूंढनी पड़ रही है मुझे। पूरी दुनिया के सामने मंगलसूत्र पहना देने से, मांग में सिंदूर भर देने से, शादी का जोड़ा पहन लेने से शादी की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती गौरव। मुझसे शादी करके तुमने ये जिम्मेदारी निभाने का वचन दिया था मुझे, और उस जिम्मेदारी में प्यार भी आता है, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर इन चीजों की जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे नहीं मिल रही है, मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है, तो फिर इस मंगलसूत्र, इस सिंदूर का क्या मतलब? क्या करूं मैं इसका? तुम और गहना कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, प्यार की, शादी की, कि प्यार एक अटूट बंधन होता है, शादी जन्म जन्म का साथ होता है। तो क्या तुमने मुझसे शादी नहीं की? तुमने साथ मेरे लिए ना, मेरे साथ गौरव। तुम जिंदगी भर अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जरा सोचो और हालत देखो मेरी। मेरी हालत तो गहना से भी बदतर है। वो गांव से पटना इस उम्मीद में आई थी कि कम से कम उसे अपना पति तो मिल जाएगा। वो अपने पति को ढूंढने आई थी यहाँ पे, और मैं अपने पति को अपने ही घर में नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तो मेरे सामने हो लेकिन फिर भी मेरे नहीं हो, बस मेरे सामने मौजूद हो लेकिन दिल से मेरे नहीं हो तुम। मुझे नहीं पता गौरव के सही और गलत क्या होता है, बस इतना पता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ये देखिए, ये आप ही ने बनाया था 1996 में, एक लौता हार है। पूरे पटना में सबसे नायाब ग्रीन स्टोन का हार बनाकर दिया था आपने। और ऐसे ही हार आप दोबारा ना बनवाएं, उसके लिए आपको मुमांगी कीमत भी दी गई थी। हमारे पति ने खासकर हमारे लिए बनवाया था ये हार। समस्या ये है कि ये हार गुम हो गया है, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हार बिल्कुल हूबहू हमारे लिए फिर से बनवा के दे। देखिए, इस हार की कीमत हमारे लिए पैसों से बहुत बढ़कर है। अगर आप उस जैसे इकलौता हार हमारे लिए बनवा कर दे तो हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे। आप बस बोलिए। याद आया, स्पेशल डिमांड पर इस हार को बनाया था। महेंद्र साहब के कहने पे हमने एक नहीं दो हार बनाए थे। वो बहु मेरा मतलब है जुड़वा हार। नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये इकलौता हार है, ये खासकर हमारे लिए बनवाया गया था। कैसे भूल सकते हैं वो हार? स्पेशल डिमांड पर हमने बनाया था उसे। वो बोले भी थे कि ऐसा हार दोबारा मत बनाना, लेकिन हमने दो हार बनाए थे। ये कैसे हो सकता है? ये एक ही हार है। अब आप ही बताइए कि इस मामले में भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है, आप जाइए और हमारे लिए ऐसे ही हार बनवा दीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? इनको शायद याद नहीं है। हमारी शादी तो हुई है ना, लेकिन तुमने मुझे कभी पत्नी का दर्जा दिया है? पूरी दुनिया के सामने मंगलसूत्र पहना देने से शादी की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती घोड़ा। जिंदगी भर अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे।
गौरव, उस दिन तुम हमसे पूछ रहे थे ना कि हम चुप क्यों हैं। हम इसलिए चुप थे क्योंकि रिश्तों को निभाने के लिए उस समय हमारी चुप्पी जरूरी थी, और हम यही समझते हैं कि रिश्ते बनाने से ज्यादा रिश्ते निभाना बहुत जरूरी होता है। और उसका क्या जो खुद ही पसावा हो, फर्ज और अपने प्यार के बीच चुनना चाहिए ना फिर। प्यार और फर्ज, हमेशा फर्ज को चुनना चाहिए क्योंकि फर्ज बहुत बड़ा होता है प्यार से। और दिल, माना फर्ज बड़ा होता है पर दिल का क्या करें? कोई क्या करे जब हालात प्यार के सामने लाकर खड़ा कर दे। दिल को समझाना पड़ता है, हालात तो परीक्षा लेते रहते हैं लेकिन हर कसौटी पर हमें खरा उतरना ही पड़ता है। सच्चाई का साथ देना ही तो, और हमें असली मायनों में सही को चुनना पड़ता है। हमें अपना हक असली मायनों में तभी मिलता है जब हम असली मायनों में अपने फर्ज को निभाते हैं। इसलिए तो परिवार बनता है, साथ में चलता है और जिंदगी भर जुड़े रहता है। काश कि इस बार हम संभाल लेते, या क्या बोल रहे? भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? बात क्या है? वो हमारा हार था ना, वो खो गया है। खो गया? कैसे? अब क्या बताएं कैसे, कल रात को यहीं उतार कर नहाने गई थी, वापस आके देखा तो गायब हो गया था। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, यहीं कहीं घर में होगा। घर में कौन सा चोर घुसा है, फिर भी अगर तुम चाहो तो दूसरा बना लो। अरे उसी सोनार को तो बुलाया था हमने, उसने और मन भटका दिया। बार बार यही कह रहा था कि एक नहीं एक जैसे दो हार बनवाए थे आप लोगों ने। ठीक तो है? हाँ हाँ, जो मैं कह रही थी, ये हम तुम्हारी स्वर्गीय माँ को देना चाहते थे और आज हम ये तुम्हें दे रहे हैं। इसे अपनी माँ की आखिरी निशानी समझ कर अपने पास रख लो। मैंने बहुत समझाया उसे लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो यही कह जा रहा था कि नहीं, दो हार बनवाए थे। अब बताओ। अरे उम्र हो गई है उसकी, बुढ़ा सटिया गया होगा, तुम जाने दो। तुम चाहो तो ऑर्डर दे दो, हम उससे बात कर लेंगे, जल्दी दे देगा तुम्हें। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आधे घंटे में वो हार गायब कहाँ हो गया। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।